पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मीनाक्षी कहीं है? सौर्य बना को उनकी माँ के पास ले जाइए। जी जी भापोसा। मीनाक्षी जी, आपका यही नाम है ना? इनकी माँ से कहिएगा, बहुत बहादुर बच्चा है उनका। घबराइएगा मत, बहुत जल्द इन्हें होश आ जाएगा। कौन है ये शख्स जिसने मारी पूरी पूरी योजना पर पानी फेर दियो? भाभी सा, शौर्य बना आप सब कुशल है। शौर्य है काना जी। भाभी सा, शौर्य बना बेहोश है अभी, परंतु जल्दी होश आ जाएगा। हाँ, नफ्स तो ठीक है काना जी, आपको शत शत नमन। और आपके भाई साहब को भी, आज एक बार फिर उन्होंने हमारे शौर्य के प्राण बचाए। परंतु भाभी साहब, इस बार भाई साहब ने नहीं, किसी और ने प्राण बचाए हैं। एक अत्यंत आकर्षक रूपवान व्यक्ति, विचित्र वस्त्रधारी, उसके हाथ में पतंग थी। पतंग जी? खैर, वो जो भी हो, हमारे शौर्य के प्राण बचाए उन्होंने। उनसे मिलकर अभी इसी क्षण उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम। हाथ में पतंग, अजीब से वस्त्र, अटके तो कोने लगते हो? बहुत दूर से आया हूं। आप ये समझ लीजिए कि ये पतंग मुझे यहां खींच लाई। शौर्य बना की सुरक्षा करने हेतु आपको यहां होना था, पतंग तो बस बहाना बन गई। संजोग देखिए, आपकी पतंग पे राधा कृष्ण बने हैं और शौर्य बना की मासा बहुत बड़ी भक्त है कान्हा जी की। मेरी तारा भी कृष्ण जी की भक्त है। कान्हा जी के बहुत चमत्कार देखे हैं मैंने सूर्य प्रताप जी, वो किसको कब कहां पहुंचा दे कोई सोच भी नहीं सकता। मारे आदमी पकड़े तो कुड़ी गए, कहीं उन्होंने मारा नाम ना ले लिया हो। भाई साहब, आप उन पापियों में से किसी को बंदी बना सके? हम उनकी हड़प में हाथ डाल के उनसे गुलवा लेंगे जिसने भी उन्हें ये
दुष्कार्य करने के लिए भेजा है। सौभाग्य था उनका कि वे सब मर गए। यदि बच जाते तो जो हम करते उनके साथ आत्मा से हर जाती उनकी। हम फिर भी अपने सूत्रों से पता कराने का प्रयास करेंगे कि किसने ये दुस्साहस किया। आपके इस एहसान का मोल तो हम कौन ही चुका सकते, परंतु कुछ दिन यहाँ रहकर हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, वही बहुत है। अब दरअसल मुझे कहीं पहुंचना है, तो जैसे ही शौर्य को होश आता है मैं उससे मिलकर चला जाऊंगा अपनी मंजिल की ओर। छोटी कुंवर सा को होश आ गया है। विवश नहीं कर सकते, परंतु कुछ समय अतिथि बनकर हमारे साथ रहेंगे तो खुशी होगी। फिर जहां जाना है हम छोड़ देंगे, हम भी शौर्य बना से मिलकर आते हैं। कट्ठे जाना है आपको? जी वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ के हैं? नहीं, मतलब मुझे, मैं उस रास्ते पर निकला हूँ। बस बस, अतिथि है, परदेसी है, पर मारे इस बात को ध्यान से सुन लो, यहाँ देवगढ़ में वल्लभगढ़ का नाम लेना निषेध है। सुन लियो। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन आप क्या बता सकती हैं कि ऐसा क्यों? हमारी पीढ़ियों पर उनका श्राप लगा था, श्राप दिया था उन्होंने हमारे देवगढ़ के सिंहासन पर बैठने वाले राजा को, कभी कोई संतान कोनी होगी। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अगला राजा जब आपको चुनना होता है तो वो राजा आप कैसे चुनते हैं? देवगढ़ के सिंहासन के राजा किसी न किसी राजघराने के संतान को गोद ले लेते हैं, और वही गोद लिया हुआ संतान आगे चलकर देवगढ़ के राजा बन जाते हैं। इतने वर्षों से देवगढ़ के राजा को अपनी सगी संतान को नहीं हुई जो उन्हें बाबा सा कहकर पुकारे, लेकिन ये श्राप टूटा मारे शौर्य बना के होने से। प्रताप बड़ाने अपने हाथ का बलिदान देकर इस सिंहासन पे लगे श्राप को मिटा दिया, तब जाकर देवगढ़ के सिंहासन को अपना सगा वारिस मिला, अपना कुंवर सा शौर्य बना। मुबारक हो आपको। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, दुनिया को ना दुश्मनी की नहीं दोस्ती की जरूरत है, और अब श्राप तो मिट गया है, मेरी माने तो आप दुश्मनी को भी मिटा दीजिए। कोनी, शौर्य, उठिए। अब बिल्कुल ठीक है, हमारे बहादुर पुत्र हैं। हमें बाबा सा चाहिए, उन्हें बुलाइए ना, हमें बाबा सा के पास जाना है। जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है
तो मासा कह के बुलाता, परंतु हमारे शौर्य बना को बाबा सा के सीने से लगकर ही चैन मिलता। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।